गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। आज मैं आपको रिज्यूमे बताने जा रहा हूँ, आप रिज्यूमे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट मैंने दे रखा है। सबसे पहले आपको नेम लिखना है। आपको जो फर्स्ट काम करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर मेरा अपना देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मेरा नेम है। इसके बाद ये जो है आपके पास यहाँ पे जो इतना स्पेसेज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें आपको क्या करना है, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कॉन्टेक्ट नंबर, यानी आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है। साइड में आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें आपको फोटो पेस्ट करना है, यानी फ़ोटो के लिए कॉलम छोड़ देना है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इस तरह का पैटर्न यहाँ दिखेंगे, मतलब फर्स्ट में एग्जामिनेशन, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम में आप क्या अपीयर हुए हैं, आपका बोर्ड क्या हुआ, पासिंग किस ईयर में की है, डिवीज़न कितना हो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, परसेंटेज कितना रहा, ये सारा क्वालिफिकेशन को आप इसमें क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे लेना है। इसके ना बाद नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या कर लेंगे, एडीसीए है या फिर और भी कोई बीसीए है, कुछ कोर्स होता है या फिर इसके साथ साथ और एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका करिकुलम वीटे। यहाँ पे आपके क्या इंट्रोडक्शन ही देना है, जैसे फादर्स नेम, मतलब फुल इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा करिकुलम वीटे में। फादर्स नेम हो जाएगा, मदर्स नेम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएंगे, पे रिलीजन आप लिख लेंगे, रिलीजन धर्म जिसको बोलते हैं, नेशनलिटी, आप इंडिया है के निवासी है तो आप इंडियन लिख लेंगे नेशनलिटी में। जेंडर आपका क्या है, मार्शल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, इसको आपको फिलअप करना है। आप लैंग्वेज कौन कौन से जानते हैं, वो लैंग्वेज नन में कर लेंगे। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, दो दो एड्रेस होता है, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट, तो जिसका परमानेंट एड्रेस जो है वो अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, वो वेट यहाँ पर क्या कर लेंगे, परमानेंट एड्रेस क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको जो करना है वो आपको करना है क्या है, डिक्लेरेशन करेंगे, मतलब आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है या फिर गलत है, तो उसको आपको क्या करना है, कर लेना है, मतलब डिक्लेरेशन लिख करके लिखेंगे, आई डू हैव अ डैट ऑल द स्टेटमेंट्स मेंशन अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिहाफ, यानी ऊपर की जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सत्य और करेक्ट है, जो कि मेरे नॉलेज पर है, मैंने मैं जो भी मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे द्वारा जो भी फिलअप की गई जानकारी है वो सब क्या है, करेक्ट है। इस चीज़ को आप क्या कर लेंगे, डिक्लेरेशन के थ्रू लिख लेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा वो आपको क्या है, नेक्स्ट है एक वन मिनट, नेक्स्ट आपका जो है वो क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। डेट के बाद आपका क्या होगा, प्लेस होगा, मतलब आप कौन से प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, और इसके बाद आप क्या कर लेंगे, सिग्नेचर कर देंगे, और यही रहा आपका रिज्यूमे। क्या रिज्यूमे, यही होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग पर्पस से जाते हैं और वहाँ पे आपको रिज्यूमे मांग दिया जाता है, तो आप इस तरह से आप क्या कर लेंगे, रिज्यूमे बनवा सकते हैं। डेट्स ऑल, आज का इतना ही।